अचानक कैसे लाइट बंद हो गई? लाइट कैसे चली गई? तुम मेरे साथ रहना, हाथ मत छोड़ना मेरा, ओके? कौन है वहां? रुको। नहीं, इस तुम मेरी आंखों के सामने ही रहो ना, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ हूं मैं, ओके? लिसन अप, हमें ये पता लगाने के लिए अंदर कौन है हमें अलग अलग होना पड़ेगा। तुम उस साइड जाओ, मैं वहां पे जाता हूं, ओके? एंड ध्यान रहे, अपना ख्याल रखना। नील, तुम भी अपना ख्याल रखना। अब कहां चले गए? एक तो लाइट नहीं है और ऊपर से मुझे तो सब। प्रकाश जी, ये अपनी है कहां? आज तो मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। कौन? नील, नील कौन है? ओ सनी, अबे बे, उतर इत्थे आ। आया। कौन है? रुको। कौन हो तुम? ये क्या हो गया? क्या हो रहा है ये सब? नील, तुम लोग ठीक हो ना? जी डैड, आई एम फाइन। मुझे लगता है कोई चोर घुसाया था। तुम अपने कमरे में लेके जा पाओ को। जी। मैं वो सिक्योरिटी वाले को बोल के आता हूँ, तुम मीटर रूम को अच्छे से लॉक कर दे। बेबे, आप जाके आराम कीजिए। हाँ। बढ़िया ही, बेबे का ख्याल रखने वाली। ये सब दयावंती का प्लान था। देखा तुमने कैसे वो उसके आते ही घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई। हो ना, हो वो आदमी जो भाग रहा था वो केतन ही था, और यहाँ उस नकली अवनी को ढूंढने आया था। तुम्हें क्या लगता है? नहीं, रिलैक्स, एक मामूली सी चोट है। नहीं नहीं, मेरी वजह से और इतने लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। अंकल, आंटी, बेबे, तुम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और किसी को तकलीफ पहुंचे। इसीलिए मैंने अली से भी कहा कि दोस्ती एक तरफ और बदला एक तरफ। बहुत गहरी दोस्ती है ना तुम दोनों की? हाँ, मानो इतनी गहरी कि मौत के मुंह से खींच लाई हो मुझे। कहीं ना कहीं उसकी भी दुआ है कि आज मैं जिंदा हूं। तुम्हें पता है जो कैफे है ना, वो हम दोनों का सपना था। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द ना हो इसीलिए मुझे को ध्यान रखना पड़ेगा।
लेकिन चोट तो अनजाने में लगी थी ना? आगे से कोई चोट नहीं लगी। थैंक यू। एक काम करो, तुम वहां बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पे सो जाता हूँ। अरे नहीं नील, सोफे पर मैं सो जाऊँ? क्या नहीं, तुम वहां बेड पे सोगी और मैं यहाँ सोफे पे, that's it। नहीं नील, मैं सो जाऊंगी सोफे पर। देखो मुझसे आर्ग्यू मत करो, अगर दोबारा मुझसे आर्ग्यू किया ना मैं तुम्हें इस बार अरेस्ट करके जेल में भेज दूंगा। एंड दिस टाइम आई एम सीरियस, समझी? ओके, पर हम बारी बारी से सोफे पर सोएंगे। ओके वर्क्स फॉर मी। ये अचानक अली के बारे में सुनकर मुझे तकलीफ क्यों हुई? खैर जो भी हो, बस दयवंती को अरेस्ट करने तक इस रिश्ते को निभाना है, उसके बाद मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते।